सदन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत में ठन गई है। कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत की सुरक्षा एजेंसी का हाथ बताया। अब भारत सरकार ने कनाडा सरकार को दो टूक जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और उनका बयान भ्रामक कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध है। कनाडा ने निर्जर की हत्या केस में एक शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निकासित कर दिया है। भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा सरकार ने लगातार आग्रह के बाद भी अपने यहां भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई नहीं की। कनाडा के नेता ने भारत विरोधी तत्वों में से हमेशा सहानुभूति जताई, ये गंभीर चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में कहा था, लेकिन उनके आरोपों को उस वक्त भी हमने गलत बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा को खालिस्तानी भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत ने निज्जर की हत्या में खुद का हाथ होने के आरोपों का खंडन भी किया है। कनाडा सरकार की ओर से किए गए झूठे दावे खालिस्तानी और चरमपंथियों पर ये ध्यान हटाने की एक कोशिश है। खालिस्तानी और चरमपंथियों का कनाडा ने आश्रय दिया है, ये सभी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन गए हैं। दरअसल ये विवाद तब से उठा जब एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। वही कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि अगर निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हुआ तो दोनों देशों का एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। इसी कड़ी के बीच भारत सरकार ने कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का कहा है। भारत की अंदरूनी राजनीति में कनाडा के राजनयिक पर दखल देने का भी आरोप लगा है। साथ ही कहा जा रहा है कि राजनयिक भारत विरोधी कार्रवाई में भी शामिल थे। दरअसल भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया था। इसके बाद भारत ने एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निकासित कर दिया और इस फैसले की जानकारी कनाडा के उच्चायुक्त को दी गयी। बताया जा रहा है कि संबंधी राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटेन में 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से ही दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया। वही कनाडा की सुरक्षा एजेंसी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाती रही है। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में भारत सरकार के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।